चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। बाबू क्या कह रहा है, किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं जो है तुमको 55 मीटर और 40 मीटर दे दी है, तथा असमानांतर भुजाएं हैं 20 मीटर और 25 मीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो तुम सब लोग जानते हो बाबू कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला क्या हो जाता है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, प्लस और डार्क, क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग और गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ऊंचाई जो है तो हम कहां से निकालेंगे, यही ये इसका ऊंचाई होगा, यदि हम नाम दे दें इसको यहाँ पर पी दे देते हैं। ठीक है, तो यही हमें ऊंचाई निकालना। तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ता है, हम एक हम ऐसे एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं क्यू। तो यहां से क्या हो गया, मतलब क्या है कि जो एडी जो लाइन है, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, एक समानांतर रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो जैसे समानांतर खींचते हैं तो ए बी से तो भी क्या हो जाएगा 20 मीटर, और ए 40 से तो पूरा क्या हो जाएगा पोर्शन 40 मीटर ना। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा तुमको, 15 मीटर। ठीक है, चलो अब तुमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ऊंचाई ना, ऊंचाई निकालना है। ठीक है, चलो तो अब यहां पर देख लो बाबू, एक त्रिभुज ना बन रहा है, वह त्रिभुज क्या है, बी क्यू सी एक त्रिभुज है। ठीक है, एक ट्राइंगल बन रहा है, क्या है, बी क्यू सी एक, और ये जो त्रिभुज है तो इसका हम एरिया दो तरह से निकालते हैं त्रिभुज का, तुम जानते हो, ये क्या हो जाता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और ये क्या हो जाता है, हीरोइन फॉर्मूला से ना, हीरोइन फॉर्मूला से। ठीक है, चलो तो हम तो इसमें हमने भी वही दोनों चीज अपना लेते हैं। ठीक है, तो यदि हमें एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू सी यदि निकालना होगा, क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू सी, तो बराबर क्या होगा, 1/2 गुना आधार इसका क्या हो जाएगा, क्यू सी ना, क्यू सी, और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, बीपी ना, बीपी। ठीक है, और एक हम कहाँ से निकालेंगे, एस इंटू से ना, अब √ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस इसका क्या हो जाएगा, एस का हो जाएगा, ये 20 मीटर है, 25 मीटर है, 15 मीटर ना। तो तुम सब लोग जानते होगे बाबू कि एस बराबर क्या होता है, एस बराबर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी 2 ना, तो जोड़ दो, तो 20 प्लस 25 प्लस ये 15 ना 2, तो 25 से 15 40 20 60 2 यानी 30 मीटर हो जाएगा एस का वैल्यू। ठीक है, चलो आगे हम निकालते हैं। तो हम एरिया पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो √S ना, तो √S का वैल्यू 30 है ना, एक बार हो जाएगा 30 माइनस 25, एक बार क्या हो जाएगा 30 माइनस 20, और एक बार हो जाएगा 30 माइनस 15। 30 × 30 − 25 5 ना, 30 − 20 10, 30 − 15 कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसका फैक्टर यदि तुम निकालोगे तो क्या फैक्टर हो जाएगा, 5 × 3 × 2, ये तो 5 हो गया, 10 को तुम क्या कर सकते हो, 5 × 2, और इसको क्या कर सकते हो, 5 × 3, बाहर निकालते हैं, 1 5 2 5 3 5 4 5 से 2 5 बाहर ना, 1 3 और 1 3, 2 3 से 1 3 बाहर, और 2 2 से 1 2 बाहर, तो 5 5 25 75 दूनी 150 सेंटीमीटर² आ गया, किसका बाबू, एरिया आ गया। तुम तो हम इसी तरह से इसमें प्रोसेस कर देते हैं। तो तुम क्या जानते हो कि 1/2 गुने क्यू सी गुना बीपी ना, तो क्यू सी और बीपी कौन है, इसे देख लेते हैं, क्यू सी है ना बाबू, तो क्यू सी तो 15 मीटर है ही, तो 15 मीटर, बीपी हमें ना पता है, तो बीपी एरिया क्या आ गया है, एरिया तुमको आ गया है यहाँ से 150। ठीक है, सेंटीमीटर ना है बाबू, मीटर है 150। हम बीपी निकाल लेते हैं,
तुम जानते हो कि ट्रायंगल का हम दोनों तरीका से फॉर्मूला से हम एरिया निकाल सकते हैं, और दोनों से क्या होगा, एरिया तो बराबर ही नहीं होगा, जाए हम जिस फॉर्मूला से चले, तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा, 150 × 2/15 ना, यानी बीपी का जो तुमको वैल्यू आ गया क्या हो गया, 10 × 20 ना, 20 मीटर, इसका ऊंचाई कितना हो गया, 20 मीटर ना, 20 मीटर, तो ये जो ऊंचाई हो गया ये इसका क्या गया, 20 मीटर, तब हम निकाल लेते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 × समांतर भुजाओं का योग ना, तो क्या हो जाएगा, 40 + 55 ना, और गुने ऊंचाई कितना गया, 20 ना, 20, तो 2 से तो 20 10 मतलब कट जाएगा, 55 और 40 क्या हो जाएगा, 95 ना, यानी 950 मीटर² आ गया, ठीक है। चल अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर वो क्या कह रहा है, एक नहर का अनुप्रस्थ काट समलंब चतुर्भुज के आकार का है, नहर का ऊपरी सिरा और निचली सिरा 10 मीटर और 6 मीटर है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि 72 वर्ग मीटर है तो नहर की गहराई निकाल, ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज है क्या, काट का है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × समांतर भुजाओं का योग ना, और गुने ऊंचाई, तो जो ऊंचाई है वही इसका हमने गहराई हो जाएगा, कितना दे दिया है, 72 वर्ग मीटर, ठीक है। चलो ऊपरी सिरा 10 मीटर है और निचली सिरा क्या है, 6 मीटर है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 10 + 6 × ऊंचाई ना, बराबर 72, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 72 × 2/16 ना, 2/8 = 72, यानी ऊंचाई आ गया तुमको कितना, 9 मीटर, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर, क्या कर रहा है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अंतर जो है 8 सेंटीमीटर, उनके बीच की लंबी की दूरी 24 सेंटीमीटर, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, तो समांतर भुजाएं क्या, अंतर 8 सेंटीमीटर है ना, तो माना कि एक समांतर भुजा, ठीक है, एक समांतर भुजा क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समानांतर भुजाएं क्या हो जाएगी, तो दूसरी समानांतर 8 मीटर का, 8 सेंटीमीटर का ना है, तो 1 हो जाएगा x-, तो हम एरिया जानते हैं क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग ना, x + x-8, ठीक है, गुने लंबी दूरी ऊंचाई है 24 ना, 24 बराबर एरिया कितना दिया है, 300, तो x+x करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x-8 ना, और ये 212 मतलब है ना, गुने 12 बराबर 312, तो 2x-8 बराबर क्या हो जाएगा, 312/12 ना, तो यानी कट जाएगा 25 में से, तो 300 हो जाएगा यानी 26, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 26 + 8 ना, तो 2x = 34, x = 17 ना, तो एक तो 17 हो जाएगा सेंटीमीटर, दूसरा क्या हो जाएगा, x-8 ना, तो 17 - 8 यानी सॉरी 17 - 8 यानी 9 सेंटीमीटर। चलो अब आ जाते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन तुमका क्या कर रहा है, एक समांतर चतुर्भुज एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की एक भुजा 40 मीटर है तथा समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब जो है 25 मीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का संगत आधार, तो दोनों का क्षेत्रफल समान दे दिया है ना, तो यानी सिंपल हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वर्ग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना संगत ऊंचाई ना, संगत ऊंचाई, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ना, यानी 40 × 40, शीर्षलंब तुमको क्या दे दिया है, आधार गुने शीर्षलंब दे दिया 25 ना, बराबर 40 × 40, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, 40 × 40 ना, बटा 25, ठीक है, 5 से 5 मरतबे 8 हो जाएगा,
5 से 8 मीटर, यानी 68 64 मीटर में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सम चतुर्भुज का परिमाप जो है जो 60 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 18 है, तो सम चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई और क्षेत्रफल, तीनों चीज ज्ञात करना है। सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है फॉर्मूला बाबू? 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने भुजा बराबर 60 सेंटीमीटर, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 60/4 यानी 15 सेंटीमीटर। तो भुजा तो आ गया तुमको, तो क्षेत्रफल क्या होता है सम चतुर्भुज का? तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसा होता है विकर्णों का गुणन। तो एक विकर्ण ही ने तुमको सिर्फ दिया है बाबू, तो हमको तो एक ही विकर्ण ही दिया है, तो तुम निकालेंगे हम कहाँ से? तो आइए हम देख लेते हैं पहले। तो हम चारों भुजा सजा देते हैं, तो चारों भुजा क्या है 15 15 ना, तो ये 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15, और एक हम विकर्ण मिला देते हैं। एक विकर्ण कितना है 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम ले सकते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा किसके हो जाएगा बाबू? ये दोनों त्रिभुज के ना क्षेत्रफल को जोड़ करके, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। अब देख लो दोनों ट्रायंगल का लेंथ सब समान है ना, 15 15 18, 15 15, तो हम एक का एरिया निकाल लेते हैं और एक से गुना कर लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए सिंपली हमें इस से चलना पड़ेगा ना, तो एस का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 18/2 ना, तो 30 प्लस 18 यानी 48 ना, यानी 24 हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं एस इंटू ना, यानी 24 इंटू 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 और एक क्या हो जाएगा 24 माइनस। तो हम अवधि बढ़ जाए तो ये 24 हो जाएगा, 24 माइनस 15 9 ना, 24 माइनस 15 9 और 24 माइनस 18 6 हो जाएगा। 24 तो 24 छक्का 144 हो जाता है, तो 144 से 12 हो जाएगा यानी 9, तो 12 9 8, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है एक का ना। यहाँ पर दो ना ट्रेंगल, यानी हमें चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 108 प्लस 108 ना, यानी 216 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो और तुम कुछ कह रहा था निकालने के लिए, दूसरे विकर्ण की लंबाई भी कह रहा है। ठीक है, तो हम दूसरे विकर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल बराबर कितना है 216 ना बाबू, 216 है। तो 1/2 गुने एक विकर्ण क्या है 18 ना, है तो हम एक विकर्ण एक्स मान लेते हैं बराबर 216, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 216/9 ना, क्योंकि 2 से 18 कट जाएंगे 9 कट जाएगा, तो 9 से 1 कट जाएगा कितना 9 दूनी 18 और 24 ना, तो 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन, चलो तो तुमको क्वेश्चन नंबर 29 जो है क्या कर रहा है, एक आकृति दे दिया है ऐसा ही। इसमें क्या कर रहा है कि ए बी सी डी एक का है आयत है। ठीक है, तो ए बी सी डी एक क्या है आयत, ए बी सी डी, और तुमको फिर से क्या कर रहा है, इसमें एक समलंब चतुर्भुज इस प्रकार काटा गया है, एक इसमें समलंब चतुर्भुज काटा गया है। ठीक है, एक क्यू सी और पी बी का अनुपात क्या है 7:5, क्यू सी और पीबी का जो रेशियो है क्या है 7:5, क्यू सी तो क्यू सी ए है ना, और पीबी पीबी ए दोनों का रेशियो क्या है 7:5 है। और तुमको क्या कह रखा है, समलंब चतुर्भुज पी बी सी क्यू का क्षेत्रफल, पी बी सी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ चतुर्भुज पी बी सी क्यू
आयत एबीसीडी के क्षेत्रफल के, इसका जो क्षेत्रफल है क्या है, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी आयत है ना, इसके क्षेत्रफल का क्या है, 4/7 भाग है। ठीक है, तो गुना 4/7। तो तुमको पूछ रहा है क्यूसी और पीबी की लंबाई, तो क्यूसी और पीबी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, चलो ये 5 और 1 है 21 है ना, तो हम एरिया ऑफ ए बी चतुर्भुज एबीसीडी को हम निकाल सकते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज पी बी सी क्यू, तो यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा चतुर्भुज एबीसीडी का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई ना, तो 5 × 21 ना, और गुने 4/7 भागना है, 4/7, ये 5 × 21 किसका आ गया है, एबीसीडी का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और ए पी बी सी क्यू का है, इसके 4/7 भाग है ना, 4/7। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज पी बी सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 7 से 3 मरतबे कट जाएगा ना, 15 × 15 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ चतुर्भुज पी की सी क्यू, और एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी क्या हो जाएगा, लिखना चाहो तो लिख लो, 21/5 = 105 सेंटीमीटर। अब जो हमको कह रहा है उस पर आते हैं, तो हमको पी बी और क्यू सी और पी बी की लंबाई चाहिए, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका अनुपात गुणांक क्या है, 1 से, 1 क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब आगे बढ़ा लेते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई ना, तो इसमें ऊंचाई क्या हो जाएगा, यही आयत का जो भुजा है ना 5 सेंटीमीटर, यही उसका ऊंचाई, क्योंकि 90 डिग्री है ना, तो ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री जो भी लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 5 ही सेंटीमीटर ना, 90 डिग्री है ना, सिंपल तुम सब जानते हो कि लंबात्मक दूरी क्या होती है, बराबर होती है, तो 30 पॉइंट पर यदि हम 90 डिग्री खींचेंगे तो भी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो हम एक कर लेते हैं, तो 1/2 × समांतर भुजाओं का योग होना, यानी 5x + 7x ना, और गुणे ऊंचाई तुमका कितना है, 5 ना, बराबर कितना आया है, 60 सेंटीमीटर ना, 60 सेंटीमीटर। तो आगे कर लेते हैं, तो 5x और 7x क्या हो जाएगा, 12x ना, बराबर 60, ये 2 भाग में, 2 लाकर भी गुना में 5 गुना में है था भाग, यानी 12x बराबर क्या आ गया तुमको, 24 ना, तो x बराबर आ गया 2, x का वैल्यू 2 आ गया, तो 7x क्या हो जाएगा, 14, और ये क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन